2002 के गुजरात दंगे से जुड़े जकिया जाफरी केस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को खारिज करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा कि गोधरा दंगों के बाद तत्कालीन गुजरात सरकार ने सेना बुलाने में कोई देरी नहीं की थी, जबकि 1984 के दंगों के वक्त कांग्रेस सरकार ने 3 दिन बाद सेना तैनात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से यह चर्चा में बात कही। गृह मंत्री ने गुजरात दंगों को लेकर जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संतोष जताया। शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। पीएम मोदी पर गलत आरोप लगाए गए थे। अमित शाह ने कहा कि 2002 में हुए गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगों के दौरान हालात से निपटने के लिए सेना बुलाने में गुजरात सरकार की ओर से कोई देरी नहीं की गई थी। पंजाब के पूर्व DGP KPS गिल ने भी गुजरात सरकार के फैसले को त्वरित और तटस्थ बताया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में इतने सिख मारे गए लेकिन 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन गुजरात सरकार ने किसी बात में देरी नहीं की। शाह ने कहा कि जब गुजरात बंद का आह्वान किया गया तभी हमने सेना बुला ली थी। सेना को पहुंचने में कुछ समय लगता है लेकिन गुजरात सरकार ने 1 दिन की भी देरी नहीं की। इसकी तारीफ कोर्ट ने भी की है। बता दें कि गुजरात दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने SIT की उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें राज्य के तत्कालीन CM नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जकिया की याचिका खारिज कर दी। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि सेना मुख्यालय दिल्ली में है और शहर में बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद रहते हैं, लेकिन 1984 में कई सिख मारे गए फिर भी 3 दिनों तक कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस बताए तब कितने विशेष जांच दल SIT गठित किए थे, कितनों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन केंद्र में सरकार आने के बाद हमने 84 के दंगों को लेकर एक SIT बनाया। गृह मंत्री ने कहा, मैं साक्षी हूँ, गुजरात दंगों के वक्त पीएम मोदी ने हालात काबू में करने के लिए सब कुछ किया। देश के किसी CM ने हालात से निपटने के लिए इतने सख्त कदम नहीं उठाए होंगे। शाह ने कहा कि एक पुलिस स्टेशन में 100 से 150 पुलिसकर्मी हैं। अगर हम अतिरिक्त बल लगाते हैं तो यह केवल 400 के बराबर होता है। यदि लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ होती है तो राज्य में स्थिति को नियंत्रित करने में समय लगता है। गुजरात दंगों में दंगों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज, फायरिंग आदि सहित हर कार्रवाई की गई। गोलीबारी में 900 लोग मारे गए। उन्होंने KPS गिल की टिप्पणी का उल्लेख किया, जिन्हें पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। शाह ने कहा कि सरकार को दंगों जैसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था करने में समय लगता है। उस समय गुजरात में मोदी सरकार की मदद के लिए गिल भी आए थे। उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा त्वरित और तटस्थ कार्य कभी नहीं देखा था। हालांकि गिल के खिलाफ भी आरोप लगाए गए थे। 2002 के गुजरात दंगे से जुड़े जकिया जाफरी केस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को खारिज करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ किया कि गोधरा दंगों के बाद तत्कालीन गुजरात सरकार ने सेना बुलाने में कोई देरी नहीं की थी, जबकि 1984 के दंगों के वक्त कांग्रेस सरकार ने 3 दिन बाद सेना तैनात की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।